नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है और ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक के वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों को तो रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसका अंदर देखेंगे कि अगर आप लोग जीमेल की आईडी के अंदर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के अंदर जीमेल को ओपन करना है। तो जीमेल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको google.com टाइप करना है। उसके बाद आपको जीमेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है। उसके बाद जब आपका ये ओपन हो जाए तो आपको पर्सनल इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्या बोलते हैं, ऐड प्रोफाइल पिक्चर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जहाँ पे भी प्रोफाइल पिक्चर है, जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कंप्यूटर, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। मेरा डी टैब के अंदर एक पिक्चर है, मैं डी टैब में गया, इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया। ये थोड़ा सा टाइम लेटर, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक किया। गॉट इट। इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मेरा प्रोफाइल पिक्चर आ गया, ठीक है। अगर मैं google.com ओपन करूँगा तो इस तरह से आप जीमेल के आईडी के अंदर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट में पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।